आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट हिंदी गेमिंग के एक और भाग में। हम खेल रहे हैं कोरस सैंड्स, और पिछले भाग में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढ ली थी। हम एक बार मर भी चुके हैं, और मैं ये नया डोंकी लेकर आया हूँ। एक डोंकी हमारा डेजर्ट टेंपल पे ही छूट गया है, डेजर्ट कैसल पे। तो आज के भाग में हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जाएंगे सीधे एयरपोर्ट पे और वहाँ देखेंगे कि क्या हमको मिल सकता है। और मेरे को एक चेस्ट भी बनाना है जो मैं डोंकी के ऊपर लगाने वाला हूँ। तो चलिए, इससे पहले यानी कि सुबह होने ही वाली है, और मेरे को एक और चीज़ कि मुझे डायरेक्शंस इसमें याद नहीं है कहाँ जाना है, और मुझे इसलिए मुझे डायरेक्शंस लगाने पड़ेंगे इसमें साइंस, ताकि मैं सही जगह जा सकूं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बीच बीच में स्टॉप्स आते हैं। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पर लगाई थी जो कि हमारा शायद स्केलेटन साइट है, डायनो साइट, उसके पास में होगी। हाँ, वो रही, हम यहाँ से आए थे तो हमको इस डायरेक्शन में जाना है। हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर हमको देखना है कि कुछ नई चीज़ मिलती है या नहीं, और हमें काफ़ी सारी प्लांटिंग भी करनी है सर्वाइव करने के लिए। अभी हम इधर उधर भाग रहे हैं, और वो नाइस, काफ़ी सारे एरोज मिल गए। ये शायद कल जितने भी वो मरे थे। ये रहा देखिए टेंपल। ओके, तो मेरे पास टॉर्च है, एक टॉर्च रखी हुई है, गुड गुड। तो मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। देखिए, ओके, सूरज भी निकला आया, इससे पता चल जाएगा कि हम किसी मॉन्यूमेंट के पास में हैं। और यहाँ से हमको मिला था सोल सैंड, और क्या बोलते हैं उसको, नेदर रॉट्स। अब हमको एयरपोर्ट के पास जाना है। अच्छी बात यह है कि सुबह हो गई है, और अब हमको मॉब्स की चिंता नहीं करनी होगी। और एक और चीज़ कि मैंने अपना स्पॉन पॉइंट विलेज में बनाया था, पर मैं पिछली बार जब मरा था तो मैं सीधे स्पॉन हुआ था मेरे एरोप्लेन में, और ये शायद बैड लक के कारण हुआ है। ये देखिए, सुबह हो चुकी है, और मुझे क्या करना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं सबका सफाया करना है, और देखना है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो सही है, स्पाइडर्स है, कुछ मिलता है कि नहीं हमको। तो पहले तो हम हमारे हॉर्सी के लिए जगह ढूंढते हैं कि वो, ओप्स, नोप, ओके, स्केलीज बर्न, जहाँ पर हम हमारे हॉर्सी को सुरक्षित रख सकें। चलिए यहीं पर छोड़ते हैं इसको, इसे कहीं जाएगा तो नहीं है। ओके, पहले पानी पी लूँ मैं, क्योंकि मेरी वाटर थर्स्ट बढ़ रही है, और मैंने इसे मार भी नहीं पाऊँगा अगर ये मेरे आसपास घूम रहे हैं तो। व्हाट, व्हाप, ऑलराइटी। तो हमारा डोंकी यहाँ पर है, हमको एक ट्रेजर चेस्ट बनाना है जो कि हम डोंकी पे लगा सकें, गुड, और हमारे जितने भी आइटम्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकें। इसके लिए आपको बस यह जाना है और राइट क्लिक करना है, हो गया। अब जितनी भी हमारी चीज़ें हैं मैं इसमें डाल देता हूँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी कर सकें चीज़ें। ओके, बुक एंड क्विल, मुझे बुक में पढ़ना है अभी कि क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ना भूल गया हूँ उसमें, इसलिए इतनी काफ़ी है, वो भी रख देते हैं। एरो भी, ग्लास बॉटल भी, ठीक है, तो इसे हम थोड़ा पास में लेके चलते हैं, और इसे उठा लूँ मैं, कम ऑन, गुड गुड बॉय। हे, कुछ मुझे दिखा है इंटरेस्टिंग, व्हाट इज दिस, विच की आवाज़ आ रही है, ये शायद आयरन ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि उसका टेक्सचर सबसे अलग दिख रहा है। ओके डोंकी, आप तुम यहीं खड़े रहो, मैं जब तक आयरन पिकैक्स से इस को माइन करता हूँ, देखें क्या है ये, व्हाट इज दिस, ब्लॉक ऑफ आयरन, नाइस, ये क्या हो सकता है, क्वार्ट्ज स्लैब है ये। ओके, आयरन हमको मिल चुका है, तो एक अच्छी बात है कि हम इससे बकेट बना सकते हैं,
और एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बना सकते हैं। या वाह भाई, ये क्या है? और इच तीस। ओके, तो एक गड़बड़ हो गई है हमसे कि हम जितना हमें आयरन मिला था जहाँ पर, वहाँ पर मैंने वहाँ तक ही रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो मुझे दिखा भी नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, तो सैडली। पर अच्छी बात यह है कि हमने कुछ लूज़ नहीं करा है, बस गेम प्ले थोड़ा सा लूज़ कर दिया है। तो मैं आपको वापस बताता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें कर ली है। सॉरी अबाउट दैट। हम ज्यूक बॉक्स लेकर आए थे वहाँ से, मैंने कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ था वो गेम प्ले, जहाँ पर हम स्टील को यानी आयन को, आयन ब्लॉक तोड़ते हैं वहीं पर। और ये मैं ज्यूक बॉक्स है जिसे आप रख सकते हैं अपने घर में, उसे आप जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें जो है नई नई धुनें निकलती है। और मैं आपको बता दूं कि हमने कोल से आलू पका लिए थे, और देखिए उस आयन से हमने 9 आयन निकाले थे, आयन ब्लॉक से हमने 9 आयन इग्निट निकाले थे। और उससे मैंने 3 से तो हमने एक बाल्टी बना ली, और बाकी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या कर लिया है। शिट, हमारा इतना सारा गेम प्ले मिस हो गया है। मैंने एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाया है, ये देखिए। और ये कैसे बनाया है मैं आपको बताता हूँ। और ये यहाँ पर हमने हमारी पूरी फसल लगा ली है, ये है गेहूँ, बीटरूट और आलू की। तो चलिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। जो आपने हमने जहाँ पर एक वाटर सोर्स था, एक ओएसिस था जो सूख चुका था पूरा, वहाँ से 2 ब्लॉक वाटर के थे वहाँ पर, तो 2 बाल्टी भर के हम पानी लेकर आए, उससे हमने वाटर सोर्स बनाया। और जितनी भी वहाँ पर डर्ट थी और जितनी भी क्रॉप थी, हमने सबको पहले तो बोन मिल से उसको बड़ा किया और उसको वहाँ से उखाड़ लिया था, और सारे ब्लॉक्स हम लेकर आ गए थे यहीं पर, ये देखिए, सॉरी यहाँ पर था। तो फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक यहाँ था पानी का, तो हमने दोनों वो बकेट से कलेक्ट कर लिया था और उसे हम लेके आ गए थे यहाँ पर, तो गुड। और अभी हमें लकड़ी की इतनी ज़रूरत है नहीं, तो चलिए वापस चलते हैं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, मुझे गेम कैप्चर की जो लाइट है वो दिखाई नहीं दी कि पूरी नीली जल रही थी जब तक, और मैं रिकॉर्ड कर ही जा रहा था पर कुछ रिकॉर्ड हो नहीं रहा था। तो ग्लैडली मैंने देख लिया कि इतना इतना रिकॉर्ड हो गया है, 5 मिनट का रिकॉर्ड हुआ था बस। और मैंने आउट्रो भी कर लिया था। ओके, तो मुझे ये देखिए, हमने हमारी व्हाट फसल लगा ली है। और एक यहाँ पर नीचे से कहीं पर से आवाज़ें आती रहती है, शायद नीचे केव है जहाँ पर सारे ये इन सब की आवाज़ आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका एक छोटा सा स्टेबल बना देता हूँ। नो, हमारी शवल टूट चुका है, पर कोई बात नहीं, हम इसे कवर अप कर देते हैं यहाँ पर। ओके, एक कॉल्ड्रन है यहाँ पर, इसको पानी से फिल अप कर देंगे। और हमारे डोंकी को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर सेफ रहेगा ये। गुड डोंकी, ओके ही सेफ नाउ। और क्या चाहिए हमको? तो देखिए, जब ये इन्फिनिट सोर्स मैंने बीच में इसलिए बनाया क्योंकि हम यहाँ पर भी थोड़ी फसल लगाएंगे, थोड़ी यहाँ पर भी, और बीच में ये रहेगा तो आसानी रहेगी। चलिए, हमारे डोंकी के लिए भी एक बाल्टी पानी रख देते हैं हम वहाँ पर। गुड, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर सोर्स कैसे बनाते हैं, आपको पता ही होगा अगर, क्योंकि मैं हमसे मिस हो चुका है एक बार। तो एक और हम बनाते हैं, कहाँ बनाएं? इस लेवल पे बनाते हैं ताकि एक कुआ वहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर, ये थोड़ी ठीक लग रही है जगह। चलिए
चलिए मैं बीच में बना देता हूँ यहाँ पर, और हम इसके आसपास हमारी क्रॉप लगा देंगे फिर। ओके, तो आपको बस एक बाल्टी पानी लेना है, भाग कर वापस आना है, इसमें डालना है। और मैंने एक ही बाल्टी बनाई है क्योंकि हम हमारा जो आयन है हमको पता नहीं कि मिले कि नहीं मिले। और क्योंकि हमारे पास 9 ब्लॉक्स हैं आयन के अभी, यानी कि 9 इग्नेट थे, अब 6 बाकी हैं, तो कभी भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, इसलिए हमने उसे बचा के रखा है, हम अभी उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे बनता है इन्फिनिट वाटर सोर्स, और इससे हम फिलअप कर सकते हैं दोनों ओएसिस जो कि एक वहाँ है, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में है कि हमें ओएसिस को फिलअप करना है वापस, और वो हमने कर दिया है दोनों में, यानी कि हमने 2 वाटर सोर्स बना लिया इन्फिनिट। तो इसकी अभी हमको आसानी से बन जाएगा वो, और हमारे पास बॉटलें भी काफ़ी सारी है, तो हम बॉटलें फिलअप कर लेते हैं ताकि हमें प्यास ना लगे बार बार। और शायद डोंकी के पास भी 2-3 बॉटल्स रखी हुई है, हो सकता है, हाँ एक बॉटल है इसके पास। ओके, तो मुझे तरबूज भी लगाने हैं, तो चलिए तरबूज लगाते हैं हम, क्योंकि तरबूज का एक तो ख़राब हो चुका है इसलिए हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। और मिट्टी कहाँ पर रखी हुई थी, और शायद कैसल पे, जो सैंड कैसल है उस पे हो सकती है, वहाँ से तो हम लेकर आ गए थे, पर फिर भी इसमें देखता हूँ मैं, हमारे चेस्ट में रखी है क्या, और मिट्टी डर्ट नहीं, सोल सैंड है। ओके, सोल सैंड भी लगानी है हमको, और थोड़े से नेदर वॉट्स भी लगाने हैं, तो इसका काम भी हम शुरुआत कर ही देते हैं इसकी। सोल सैंड हम लगाएंगे, कहाँ लगाएं? ओके, ये जगह बची हुई है तो हम यहीं पर लगा देते हैं इसको। नेदर वॉट्स 1, 2, 3, 4, 5 ओके, 1, 2, 3, 4, 5 2 बज गए हैं, 2 हम बाकी के हमारे चेस्ट में रख देंगे इनको। ओके, तो देखिए हमारा गार्डन अच्छा बन गया है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत परेशान करते हैं, ये देखिए, और इसको भी रिप्लेस करना है मेरे को। चलिए हमारी फसल अब जल्दी जल्दी बड़ी हो गई क्योंकि पानी उसको मिल गया है भरपूर, तो अब हमको खाने की टेंशन नहीं लेनी है ना पानी की टेंशन है, अब हमें सिर्फ हमारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, कोल यानी जो कोल हमको चाहिए वो इकट्ठा करना है, और वो भी हम जल्द ही ढूंढ लेंगे, इधर कुछ नहीं है। और मुझे इस जो विलेज को है इसको वापस से थोड़ा सेटल करना है कि आसपास जितनी भी रहती है सारी हटा दूँ मैं, तो साफ साफ हमारा विलेज थोड़ा ढंग का दिखे, और अगर रेस्क्यू टीम आए तो उन्हें साफ साफ दिख सके कि हम कहाँ पर हैं। और मैं हर रूम में एक एक टॉर्च लगा दूँगा ताकि ये अच्छे से लाइट अप हो सके, और पता नहीं हमको कितना कोल मिलने वाला है, क्योंकि 4 कोल की कमी है यहाँ पर, और डर्ट ब्लॉक्स की भी, और पेड़ शायद यहाँ पर लगते नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, क्योंकि आर्टिफिशियली लगाया गया है ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स, और अगर हम इसको पूरा तोड़ भी देंगे तो ये एक भी सैपलिंग्स ड्रॉप नहीं करेगा, इसलिए हमें वुड को सोच समझ के इस्तेमाल करना है। इस रेगिस्तान में हमें सैपलिंग कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये नारियल का पेड़ है। पाम ट्री तो ये जिंदा रह गया यहाँ पर, बाकी छोटे मोटे पौधे सारे मर गए थे, सिर्फ एक हमें
पानी का सोता था वो मिल गया था, तो वो हमने रिप्लानिश कर लिया है उसको, और वी आर गुड नाउ। ऑल राइट, तो इस भाग में हमने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस कर ली है, और अब अगले भाग में हम वापस चलते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी है एयरपोर्ट पे और जो सैंड कैसल है उस पर। तो मिलूंगा मैं आपसे अगले भाग में। देखते रहिए माइनक्राफ्ट इन द गेमिंग कोर्स सैंड्स 1822 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसी और माइनक्राफ्ट की इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस वीडियोस देखने के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू। दैट मून इज़ लुकिंग गुड, यो बाय।